बड़हलगंज पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल व 1 देसी तमंचा व कारतूस बरामद किया है, जिसके संबंध में सीओ गोला श्यामदेव ने बताया कि बड़हलगंज पुलिस अपने टीम के साथ साउखोर तिराहा के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा एवं 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बंजरहा लखनापार निवासी अजीत विश्वकर्मा पुत्र विद्यासागर विश्वकर्मा, कन्हैया त्रिपाठी पुत्र योगेंद्र त्रिपाठी, रवि मिश्रा पुत्र अमर मिश्रा तथा रूपेश तिवारी पुत्र गंगानाथ तिवारी के रूप में हुई है। घटना के खुलासा करते हुए सीओ गोला श्यामदेव ने बताया कि 4 मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसका मुकदमा स्थानीय थाने में दर्ज है। उन्होंने बताया कि अजीत विश्वकर्मा के पास से 1 देसी तमंचा और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इन सभी 4 शातिर चोरों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में बड़हलगंज थाना प्रभारी रणा देवेंद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक राजेश कुमार पांडे, उप निरीक्षक आशुतोष कुमार राय, हेड कांस्टेबल विनोद राम, कांस्टेबल हरिवंश राम, विनोद शर्मा, सत्येंद्र भास्कर शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोला श्यामदेव ने कहा, अरे अंदर कर ले यार, अंदर करवा दो, अंदर कर दो इधर, अंदर कर दो जो कर रहा है ना। हाँ ये बड़हलगंज पुलिस को आज रात्रि में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरों का एक गिरोह रात्रि में 2 बजे साहूपुर के पास से पकड़ा गया है, जिनके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 तमंचा बरामद हुआ है, जिसमें से 2 मोटरसाइकिल तो ट्रेस हो गई है कि कहां से इन्होंने चोरी की थी, 2 अभी ट्रेस नहीं हुई है। बड़हलगंज पुलिस को इस सफलता के लिए मैं बधाई देता हूँ और इनका जो और भी नेटवर्क है और भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कितनी संख्या से बाइक की? 4 बाइक बरामद हुई है, 1 स्थानीय बरामद हुआ है, कारतूस भी है, 1 कारतूस।